हेलो फ्रेंड्स, सारा कुकॉस में मेशबाना आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बहुत ही टेस्टी ओरियो कोल्ड कॉफ़ी बनाएंगे जो बहुत ही आसानी से और जल्दी जल्दी बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए, ये ओरियो कोल्ड कॉफ़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस बाउल में 3 टीस्पून ये इंस्टेंट कॉफ़ी पाउडर ले रही हूँ। अभी मैं इसमें 2 टेबलस्पून गरम पानी डाल रही हूँ और इसे हम पिघला के ले लेंगे ये कॉफ़ी को। इसे कॉफ़ी डिकॉक्शन बोलते हैं। अभी मैं सबसे पहले इस ब्लेंडर में ये जो कॉफ़ी हमने पिघला के ली है कॉफ़ी डिकॉक्शन, इसमें डाल देती हूँ। 3 टेबलस्पून चीनी या फिर चीनी की क्वांटिटी आप अपने पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अभी मैं इसमें 6 ओरियो कुकीज डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून चॉकलेट सॉस डाल रही हूँ। चॉकलेट सॉस डालना बिल्कुल ऑप्शनल है। अभी मैं इसमें 3 कप ठंडा दूध डाल रही हूँ। इसमें मैं आइस क्यूब्स नहीं डालने वाली हूँ, इसके लिए मैंने दूध को ही ठंडा करके लिया है। अभी मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से ब्लेंड करके ले लूँगी। तो ये देखिए, इसे मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से ब्लेंड करके ले लिया है और ये हमारी ओरियो कोल्ड कॉफ़ी बन के तैयार है। अभी हम इसे सर्व करेंगे। ओरियो कोल्ड कॉफी सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 ग्लासेस को गार्निश करके रखा है। इसे मैंने पहले चॉकलेट सॉस और उसके बाद में मैंने ओरियो के क्रम्स में इसे डिप करके लिया है। उसके बाद ये हमें इस तरह से बहुत ही सुंदर सी इस तरह से ये एजेस तैयार हो जाती है। अभी मैं इसमें से सबसे पहले ये फोम इसमें डाल दूंगी, नहीं तो फोम पीछे रह जाता है। आज का ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरा ये चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। और अभी आप मेरे सारे वीडियोस फेसबुक पर भी देख सकते हो, वहाँ पर मैंने सारा कुक हाउस के नाम से पेज बनाया है, तो उसे भी प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और सबसे आखिर में थोड़ा सा ये ओरियो का क्रम। ये तैयार है। तो हमारी ये बहुत ही टेस्टी ओरियो कोल्ड कॉफी बनके तैयार है, तो आप भी इसे जरूर बनाइए। और ज्यादा रेसिपीज देखने के लिए आप चेक कर सकते हैं मेरी वेबसाइट www.sarakookhouse.com। और अभी आप हफ्ते में 2 दिन मतलब थर्सडे और फ्राइडे 2 रेसिपीज देख पाएंगे। अगली बार फिर से मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।